एंड सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं टाइगर का फेस में कलरिंग करने वाला हूँ। कलरिंग करने के लिए मैं डॉम्स का ऑयल पेस्टल कलर यूज करूंगा, 25 शेड्स वाला। सो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। मैं काफी अच्छे से बताऊंगा कि ऑयल पेस्टल से कैसे टाइगर का फेस में शेडिंग करना है एंड डिटेलिंग एंड हाईलाइट वगैरह कैसे करना है, तो बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, तो एंड तक देखना। एंड जिन जिन लोगों को नहीं पता, इस वीडियो से पहले मैंने आउटलाइन वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, तो नहीं देखो तो जाकर देख लेना। तो चलो ड्रॉइंग को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, यहाँ पर कलरिंग करने से पहले यहाँ पर आउटलाइन को हल्के हल्के यहाँ से इरेज कर देना, क्योंकि ग्रेफाइट कलर के साथ मिक्स ना हो। सो अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं फेस में शेडिंग करने के लिए ब्राउन कलर यूज कर रहा हूँ। और अभी यहाँ पर आप लोग अपने रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करो, जहाँ जहाँ पर ऑरेंज कलर है बस वहाँ पर आप लोग को मीडियम प्रेशर से ब्राउन कलर से शेड करना है। ब्राउन कलर के बाद यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर यूज करूंगा। जहाँ जहाँ पर मैंने ब्राउन कलर यूज करा है वहीं पर मैं प्रेशर अप्लाई करके ऑरेंज कलर से शेडिंग करूंगा। एंड ऑरेंज कलर से काफी अच्छे से शेडिंग करना। ऑरेंज के बाद जहाँ जहाँ पर व्हाइट एरिया है वहाँ पर मैं व्हाइट कलर से शेड कर रहा हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग के लिए कॉटन बड यूज कर रहा हूँ। इससे काफी अच्छा ब्लेंडिंग होता है ऑयल पेस्टल में, तो कॉटन बड यूज करना ब्लेंडिंग के लिए ऑयल पेस्टल में। एंड इतना करने के बाद अभी यहाँ पर मैं ब्लैक कलर से शेडिंग करूंगा। एंड जहाँ जहाँ पर ब्लैक एरिया है वहाँ पर मैं टिक कर दे रहा हूँ, देख सकते हो। रेफरेंस को अच्छे से देख लेना, जहाँ जहाँ पर ब्लैक एरिया है बस वहाँ पर आप लोग को ब्लैक कलर से अच्छे से शेड करना है। एंड ब्लैक एरियाज में अच्छे से ऑब्जर्व करके शेडिंग करना। एंड ज़्यादा प्रेशर अप्लाई मत करना, बिल्कुल मीडियम प्रेशर में शेडिंग करना। इसको भी ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर कॉटन बड यूज़ करूंगा, तो कॉटन बड से काफ़ी अच्छे से ब्लेंडिंग होता है। एंड हर एक कलर में गाइस अलग अलग कॉटन बड से ब्लेंड करना, एक ही कॉटन बड से ब्लेंड मत करना। ब्लैक कलर से शेडिंग करने के बाद अभी यहाँ पर मैं चारकोल पेंसिल से डिटेलिंग करूंगा एंड एक एक ब्लैक ब्लैक हेयर ड्रॉ करूंगा रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करके। तो अभी यहाँ पर आप लोग वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करो एंड प्रोसेस को देखो कि गाइस मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ एंड मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, बस उसको फॉलो करो एंड आप लोग भी ड्रॉ करो। सो अभी यहाँ पर गाइस देखो, जहाँ जहाँ पर व्हाइट एरिया है वहाँ पर मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर आप लोग फिर हाईलाइट दोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पर अभी मेरा फेस में कलरिंग हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं हाईलाइट दूंगा। हाईलाइट के लिए यहाँ पर गाइस मैं छोटा वाला कैंची यूज़ करूँगा, यहाँ रेफरेंस फोटो में दिख रहा होगा। एंड आप लोगों के पास ये वाला कैंची नहीं है तो आप लोग कोई भी कैंची यूज़ कर सकते हो या फिर कटर यूज़ करना। एंड बस आप लोग यहाँ पर अपने रेफरेंस को ऑब्जर्व करना है किस डायरेक्शन में हाईलाइट है, बस वहाँ पर आप लोग को स्क्रैच करना है हेयर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखो गाइस मैं कैसे कर रहा हूँ, वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए ज़्यादा प्रेशर अप्लाई मत करना, बिल्कुल मीडियम प्रेशर से हाईलाइट देना, वरना पेपर डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर अभी वीडियो को देखो कि गाइस मैं कैसे हाईलाइट दे रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड यहाँ पर अभी हाईलाइट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं चारकोल पेंसिल से एक छोटा छोटा हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लैक ब्लैक हेयर्स। रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करो एंड फॉर में कैसे एक छोटा पतला पतला हेयर दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक, तो उसको कैसे मैं ड्रॉ करने के लिए चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग ग्रेफाइट यूज़ कर सकते हो। तो रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करके एक छोटा छोटा डिटेल दो एंड बिल्कुल अच्छे से टाइम देकर ड्रॉ करना। सो अभी यहाँ पर मैंने टाइगर का लेफ्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया, अभी यहाँ पर मैं राइट में ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कौन सा मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ। एक ब्राउन यूज़ कर रहा हूँ, एक ऑरेंज एंड एक ब्लैक एंड एक व्हाइट। एंड ब्लेंडिंग के लिए ईयरबड यूज़ कर रहा हूँ। तो हाँ, बस मैं इन्हीं चार कलर से गाइस मैं जैसे मैंने लेफ्ट में ड्रॉ करा है वैसे मैं सेम राइट में ड्रॉ करूंगा। तो बस अभी यहाँ पर आप लोग वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ एंड देखो कि मैं कैसे ऑयल पेस्टल से शेडिंग कर रहा हूँ, डिटेलिंग कैसे कर रहा हूँ, हाईलाइट वगैरह कैसे दे रहा हूँ। तो अच्छे से ऑब्जर्व करो एंड प्रोसेस को फॉलो करो, देन आप लोग भी ड्रॉ कर पाओगे। एंड गाइस अभी मैं जिस पार्ट को शेड कर रहा हूँ, आप लोग को इस वाले पार्ट का गाइस रियल टाइम वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड अभी यहाँ पर आप लोग वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ और शेडिंग वगैरह कैसे कर रहा हूँ एंड मैं किस किस कौन से पार्ट में कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ। अच्छे से ऑब्जर्व करो एंड आप लोग भी ड्रॉ करो। एंड आप लोग ड्रॉ कर रहे हो तो डेफिनेटली मेरे को इंस्टाग्राम में टैग करना, मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चैनल में नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।